तो सामने दिख रहा राजद्वार मंदिर और इस तरफ में सीधे में है हनुमानगढ़ी मंदिर। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से भीड़ है और इन पूरी गलियों को जो है जो रोड है पूरा चौड़ीकरण करके इसको सजा दिया गया है। ये प्रसाद हो चुका है, देखिए कितनी संख्या में लोग खाते हैं पूरे हाल में। हेलो, जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक नई वीडियो में। मैं हूँ अयोध्या में और ये है राम जन्मभूमि पथ मार्ग का मेन द्वार और इस तरफ में है राम पथ जहाँ से इसका मार्ग जो है राम जन्मभूमि पथ को जाएगा। देखिए यहाँ पर गेट बनकर तैयार हो चुका है, तो बने रहिए हमारे साथ। आज हम आपको पूरा अपडेट देने वाले हैं, पूरा राम पथ किस तरीके से बनकर तैयार हो चुका है पूरा, और दिखाता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर सिक्योरिटी जो है काफ़ी तेज़ी हो गई है क्योंकि 22 जनवरी को यहाँ पर राम मंदिर का उद्घाटन होना है। और ये देखिए पूरा दीवारें जो है बनकर तैयार हो चुकी हैं, इस तरह में गेट बनकर तैयार है जो राम पथ से राम जन्मभूमि पथ के मेन द्वार बनाया गया है। देखिए कितना खूबसूरत सा नज़ारा है। और इस राम जन्मभूमि पथ पर मैं आप सभी को लेकर के चलने वाला हूँ राम मंदिर के पास तक, और वहाँ से दिखाता हूँ। दीवारों पर देखिए ये पूरा डिज़ाइन बना दी गई है जो टाइल से और पत्थरों से बनाया गया है। इस तरह में निःशुल्क आपको व्हील चेयर और सामान जमा करने के लिए निःशुल्क जो है लॉकर सेवा मिल जाएगा जहां पर आप अपना सामान फिर जमा कर सकते हैं। अगर आपके साथ में कोई ऐसा व्यक्ति है जो चल नहीं सकते हैं तो उनके लिए व्हील चेयर यहां से आप ले सकते हैं। और सामने है सुग्रीव किला। और ये देखिए रास्ते में ये टिन शेड लगा दिया गया है छाँव के लिए, क्योंकि गर्मी के टाइम पर और बारिश के टाइम पर ये यात्रियों को बहुत सुविधा देगा। तो चलिए लेकर के चलते हैं सीधे राम जन्मभूमि की तरफ। और आज ठंड काफ़ी ज़्यादा है और अयोध्या में देख सकते हैं पूरा जो है कोहरा छाया हुआ है, धुंधला धुंधला सा सब कुछ नज़र आ रहा है। और इतनी ठंड के बीच में आप सब देख सकते हैं राम भक्तों का राम मंदिर के लिए जा रहे हैं। ये देखिए लगा दे भैया आपको। और इस तरह में है सुग्रीव किला और दोनों साइड जो है दीवारों पर देखिए किस तरीके से पेंटिंग्स बनाई और उकेरी जा रही हैं। और ये जो निःशुल्क लॉकर है गेट के बगल में ही कोई नई चीज़ बन रही है टिन शेड के तरीके से। और इधर देखिए पूरा इस तरीके से दीवारों पर बना दिया गया है जो मैं पिछली वीडियो में दिखाया था जब ये कार्य हो रहा था, लेकिन अब जो है ये हो करके लगभग पूरा हो चुका है। इस तरफ आप राम भक्तों की संख्या देख सकते हैं कितनी संख्या में राम भक्त जो है दर्शन करके वापस जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए पेड़ पर लाइट लगी है और ये पूरा मार्ग जो राम जन्मभूमि पथ को जाता है यहाँ से देखिए पूरा टिन शेड तैयार है। और इस तरफ में दीवारें हैं और ये देखिए अभी कार्य जो है यहाँ पर लगातार चल रहा है। मशीनों की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही होगी आप सभी को वीडियो में। अभी देखिए उद्घाटन के बाद यहाँ पर जो सामान फालतू पड़े थे उसको हटा दिया गया था, इसलिए बहुत सुंदर सा नज़र आ रहा है। और जो फालतू की चीज़ें थी वो सारी चीज़ें जो है हट गई हैं यहाँ से। सामने पहुँचने वाले हैं जो उसका मंदिर का मुख्य द्वार होगा वहाँ पर, और यहाँ निःशुल्क लॉकर के पास पहुँचे हुए हैं। इस तरह हम देखिए एक बड़ा सा टिन शेड का ही जो है छाँव के लिए बनाया गया है। इसमें आने वाले समय में देखना होगा कि क्या चीज़ बन के तैयार होता है, मुझे इसके बारे में अपडेट नहीं है। और यहाँ पर देखिए निःशुल्क जो है पानी का ATM लगा हुआ है, तरफ निःशुल्क लॉकर और टॉयलेट भी है। और ये देखिए व्हील चेयर जो लोग नहीं चल पाते उनके लिए। और बाकी इस तरफ देखिए ऊपर बन रहा है टिन शेड का और सामने की तरफ राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। जो कैमरा तो अंदर अलाउ नहीं है हम लोगों का, कुछ VIP लोग हैं जिनको ले जाने देते हैं क्योंकि जान ही रहे हैं हर जगह VIP का रिस्पांस है। और बाकी देखिए यहाँ पर लाइटें वाइटें कितनी खूबसूरत सी लग रही हैं। ये पूरा अंदर कुछ दुकान टाइप में बन रहा है, या तो कोई जो है सुविधा के लिए काउंटर बनाए जाएंगे या फिर शॉप ही होगा प्रसाद उत्साह का। देखिए अंदर में वहाँ पर पूरा जो है दुकान टाइप में बनाया जा रहा है। बहुत घना कोहरा है, इतने दूर का चीज़ें अब विजिबल नहीं हो पा रही हैं, इसलिए हम आप सभी को पास लेकर के दिखाएंगे। और यहाँ से आगे भाई कैमरा तो अलाउ नहीं होता, जाने नहीं दिया जाएगा, तो राम मंदिर कोहरे की वजह से दिख भी नहीं रहा यहाँ से। और इस तरफ ये राम जन्मभूमि पथ यहाँ पर है और यहाँ से आपको भक्ति पथ मिल जाएगा जो राइट साइड में है। भक्ति पथ मार्ग है जो दशरथ महल होकर के हनुमानगढ़ी से सीधे फिर से राम पथ में जा कर के मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर भी ATM है, वाटर ATM। और इस तरफ है राम अमावा मंदिर और ये स्ट्रीट लाइटें देख सकते हैं कितनी प्यारी सी। बाकी ये सारी चीज़ें राम मंदिर सामने दीवारों का आप सब देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा नज़ारा आप सभी के सामने है। तो दोस्तों ये है राम जन्मभूमि पथ मार्ग और ये है भक्ति पथ मार्ग जो आकर के इसे मिलता है और ये मेन द्वार होगा राम मंदिर दर्शन करने के लिए।
आने वाले समय में, अभी भी है, यहीं से लोग जाते हैं। तो चलिए, अंदर तो अलाउ नहीं है तो हम आपको दिखा नहीं पाएंगे। यहाँ से हम आप सभी को भक्ति पथ पर लेकर के चलते हैं और इसको देखिए कि मोदी जी के आने के बाद क्या कुछ तैयार किया गया, कितना। तो चलिए इस वाले रास्ते पर लेकर चलता हूँ, तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो किसकी मत करना, लास्ट तक दिखाऊंगा क्या कुछ तैयारियाँ हो चुकी हैं। और शेष जो है ये है रामामाव मंदिर। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रीट लाइटें जो लगी हैं किनारे किनारे, बहुत ही प्यारी है, इनका डिज़ाइन बहुत ही आकर्षक है। और ये देखिए दीवाले वाले जो किनारे के घर से सारे जो है पेंट किए जा रहे हैं, जो पुरानी दीवाले हैं, देखिए इस तरफ में भी रामामाव मंदिर का। और ये सीवेज उवेज जो यहाँ के हैं सब कुछ ठीक किया जा रहा है, जो कूड़ा उड़ा थे सब में भरे हुए थे। तो चलिए आगे इस तरफ में चलते हैं, दिखाते हैं। ये है रामामाव मंदिर, यहाँ पर आप सभी को फ्री में भोजन जो है मिलता है बाहरी यात्रियों को जो आते हैं राम मंदिर दर्शन करने के लिए। दोस्तों रामामाव मंदिर के सामने देखिए यहाँ पर आपको ढेर सारे स्टॉल मिल जाएंगे और इस तरफ में निःशुल्क आपको लॉकर भी हैं और प्राइवेट लॉकर आपको मिलेंगे। इस तरफ राम रसोई वाले में निःशुल्क लॉकर है, बाकी यहाँ के लॉकर जो हैं वो प्राइवेट लॉकर हैं जिसका आपको चार्ज देना पड़ेगा यहाँ पर सामान जमा करने के लिए। बाकी प्रसाद वसाद आप यहाँ से ले सकते हैं। और जब राम मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा तो हो सकता है वैष्णो देवी या और भी स्थान की तरह यहाँ पर एक मतलब कि ट्रस्ट का प्रसाद काउंटर हो जहाँ से राम जी को चढ़ाने वाला प्रसाद मिलता हो। तो बाकी ये लाइटें उटे देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर देखिए इस मंदिर के सामने भी एक नया निर्माण हो रहा है, तो बाकी अयोध्या खूब प्यारा सा सजाया जा रहा है। तो आप लोग दोस्तों कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट करके बताना आपको यहाँ की क्या चीज़ें जो है पसंद आ रही हैं, कितना अच्छा सा बन रहा है। और जो भी चीज़ आपको ख़राब लगे वो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, जिससे मैं जान पाऊँ आप लोगों के लिए क्या चीज़ बनाना चाहिए, क्या चीज़ दिखाना चाहिए। तो चलिए आगे की तरफ और दिखाते हैं। तो दोस्तों अभी हम हैं राम रसोई के पास, जो अयोध्या में राम मंदिर के बिल्कुल बगल पड़ता है और यहाँ पर निःशुल्क भोजन मिलता है, तो जो 10 बजे से 3 बजे तक मिलता है उसका काउंटर खुला हुआ है। अभी जो है अर्पित भाई गए हैं पर्ची लेने के लिए, तो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर एक स्लिप बनवानी पड़ती है जो निःशुल्क है और उसको अंदर दिखाना पड़ता है तो फिर बनता है पर्ची। दो देख सकते हैं, ये हमको जो है एक पर्ची मिलेगी जो यहाँ पर फिल करके अपना नाम पता आधार नंबर वंबर, तो फिर आप जो है जाएंगे और आपको मिलेगी। ये यहाँ पर काउंटर है देख सकते हैं और सामने जो है इसमें भोजन मिलता है। तो चलिए चलते हैं अंदर और ये परिसर है जहाँ पर लंगर चलेगा। फाइनली प्रसाद हो चुका है, देखिए कितनी संख्या में लोग खाते हैं पूरे हाल में इस तरीके से। तो चलिए अभी चलते हैं यहाँ से, आप सभी को भक्ति पथ लेकर के रामामाव मंदिर का दर्शन हो गया और प्रसाद भी यहाँ पर लोग खा चुके हैं। और इधर देखिए यहाँ से अब राम मंदिर दिखता है जहाँ क्रेन चल रही है वहाँ पर। अभी थोड़ा मौसम साफ हो गया, फिलहाल नज़ारा काफ़ी क्लियर हो गया है और दिखने लगा है। तो दोस्तों अभी पहुँचे हैं दशरथ महल के सामने भक्ति पथ पर और इस तरफ में देखिए ये है दशरथ महल और इस तरफ से रोड आता है राम मंदिर वाला और इस तरफ में पड़ता है हनुमानगढ़ी मंदिर। और देखिए यहाँ पर किनारे किनारे जो भी दुकानें बनी हुई हैं कितनी खूबसूरत सी बन गई हैं। और अभी जो है मोदी जी के आने पर सब कुछ बदल गया था, लेकिन अभी इस साइड में काम काफ़ी ज़्यादा बचा हुआ है जो होना है, बाकी ये सब देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए सीधे हनुमानगढ़ी मंदिर के पास आप सभी को दिखाते हैं। तो अभी पहुँचे हैं हनुमानगढ़ी और हनुमानगढ़ी के सामने का नज़ारा देखिए, यहाँ पर कितनी सारी भीड़ है। और जब से मोदी जी आए हैं उसके बाद से, क्योंकि राम मंदिर का जल्द ही उद्घाटन होने वाला है, तो यहाँ पर पुलिस फोर्स का बहुत ही भारी जो है डिप्लॉय कर दिया गया है। यहाँ पर फोर्स काफ़ी ज़्यादा संख्या में है और बाकी देख सकते हैं पूरा रूप जो है बदल चुका है, कलर्स हो चुके हैं, मंदिर दुकानें सब साइड हो गई हैं, किनारे हो गई हैं यहाँ जो सामने लगी रहती थी। और इस तरह में देखिए पूरा बैरिकेड और इस समय मीडिया वालों का तो जमावड़ा लगा ही है पूरा हनुमानगढ़ी में। और यहाँ से दिखाता हूँ मैं, ये देखिए हनुमानगढ़ी मंदिर सामने दिख रहा है और यहाँ भीड़ देखिए कितना लोग जो है दर्शन करने के लिए आते रहते हैं। ये देखिए पूरा इधर दुकान उकान आप सभी को मिलेगा प्रसाद उरसाद लेने के लिए। दोस्तों सामने दिख रहा राजद्वार मंदिर और इस तरफ में सीधे में है हनुमानगढ़ी मंदिर और यहाँ पर देखिए किस तरीके से भीड़ है और इन पूरी गलियों को जो है जो रोड है पूरा चौड़ीकरण करके इसको सजा दिया गया है। और यहाँ पर अब तो अयोध्या में जैसा कि प्राण प्रतिष्ठा होना है तो मीडिया वालों का जमावड़ा है अयोध्या में, पूरा मीडिया हर तरफ आपको नज़र आ जाएगी कवर, हर एक चीज़ को कवर करने के लिए। बाकी ये सब शॉप देख सकते हैं कितना प्यारा सा लग रहा है और ये लाइटें जो किनारे पर लगाई गई हैं हर जगह इस तरीके से, देखिए पुलिस वाले बैरिकेड भी कर दिए गए हैं जिससे कभी भी संख्या अगर भीड़ बढ़े तो तुरंत कंट्रोल किया जा सकते। और बाकी देख सकते हैं भक्ति पथ का खूबसूरत सा नज़ारा है, आने वाले समय में अयोध्या
निश्चित रूप से एक बहुत ही भव्य और दिव्य जो है स्थान है, जो पूरे विश्व में जाना जाएगा। और अभी भी अयोध्या तो पूरी दुनिया में जाना जाता है, लेकिन इसकी भव्यता इसके मंदिर और रोडों से, जो पुरानी अयोध्या थी उससे बिल्कुल अलग एक नई अयोध्या जो है, जो बसाई जा रही है, बनाई जा रही है, वो आप सभी को देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये खूबसूरत सा नज़ारा भक्ति पथ का, आगे हम राम पथ पे मिलने वाले हैं। सामने देखिए, सामने राम पथ है, जहाँ पर हम इस वाला रोड जो है आता है। अगर आप राम की पैड़ी की तरफ से आते हैं तो यहीं से आपको इस तरफ से राम मंदिर जाने के लिए यहीं से वाले रास्ते से आ जाइए और हनुमानगढ़ी दशरथ महल होते हुए राम मंदिर निकल जाइए। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हुई, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, जिससे और भी राम भक्तों को हमारी वीडियो मिल पाए, और हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो के अपडेट आप सभी को कंटिन्यू मिलता रहे। मिलेंगे हम फिर से किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।